बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द हॉवर्ड एकेडमी। और आज हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम कश्मीर डिस्प्यूट को लेके चल रहे थे और स्टार्ट ऑफ इंसर्जेंसी पे बात करेंगे। 1987 में डिस्प्यूटेड स्टेट इलेक्शन इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर गिव इम्पिटस टू ए प्रो इंडिपेंडेंस इंसर्जेंसी सेंटर्ड अराउंड द जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं उसमें तजाद के बाद यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट से जो डिस्प्यूट अराइज़ होता है और इनकी आपस में दोनों हुकूमतें यानी कि जो जम्मू एंड कश्मीर की और दूसरी जो होती है इंडियन फोर्सेस, इनमें चपकली शुरू हो जाती है। इंडिया एक्यूज़ पाकिस्तान ऑफ fomenting the insurgency by dispatching fighters across the line of control which Pakistan denies। और ये सारे का सारा जो इनके आपस में तजादात होते हैं इसका बर्डन जो है वो पाकिस्तान पे अक्यूज़ करती है इंडिया की गवर्नमेंट के ये पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है और अपने फ्रीडम फाइटर्स जो हैं या डिस्पैचिंग फाइटर अक्रॉस LOC पे भेज रहा है जिससे यहाँ पे हालात ख़राब हो रहे हैं। इसके बाद आता है 1990, द इंसर्जेंसी स्केलेट्स आफ्टर द इंडियन आर्मी किल्स अबाउट 100 डेमोंस्ट्रेटर्स एट द गवाकादल ब्रिज। तो ये एक इंसिडेंट होता है जिसमें तकरीबन 100 के राउंड अबाउट डेमोंस्ट्रेटर्स जो हैं यानी कि जो 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 मुजाहरा करने वाले लोग होते हैं उन पर अटैक किया जाता है और उनको शहीद किया जाता है। अटैक्स एंड थ्रेट्स लेड टू द फाइट of almost all Hindus from the Kashmir Valley area of the state। और जो यहाँ पर बसने वाले हिंदू होते हैं उनको थ्रेट मिलते हैं। इंडिया imposes Armed Forces Special Power Act जिसको AFSPA कहा जाता है इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस तरीके से एक एक्ट पास किया जाता है जिसमें आर्मड फोर्सेज को डिप्यूट किया जाता है और पावर दी जाती हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट करे और इस पर कंट्रोल करे और उसका नाम है AFSPA। इसके बाद पूरे जो 90s की बात की जाए, पूरे 90s मतलब 91 से लेके 99 तक तकरीबन आते हैं, द इंसर्जेंसी कंटिन्यूज़। ये इंसर्जेंसी जो हालात जो हैं ख़राब होते जाते हैं विद कश्मीरी मिलिटेंट्स ट्रेनिंग इन पाकिस्तान। जो कश्मीरी मुजाहिदीन हैं उनको पाकिस्तान में ट्रेनिंग भी दी जाती है एंड इंडिया डिप्लॉइंग हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रूप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और इस जो मुजाहिदीन का जो ज़ोर पकड़ते हैं और इस तरीके से यहाँ पे जो फोर्सेस इन्होंने डिप्लाई की होती हैं उनको भी थ्रेट होते हैं और इसके बाद जो और इंडिया जो है वो फोर्सेस को डिप्लाई करना शुरू कर देता है। वायलेंस अगेंस्ट सिविलियन बाय बोथ साइड्स इज़ वाइड स्प्रेड। तो इस तरीके से यहाँ पे जो मुजाहिदीन हैं वो भी अटैक करते हैं और जो इंडियन आर्मी है वो सिविलियन पे अटैक करती है और इस तरीके से इनके जो इंसर्जेंसी है वो काफ़ी बढ़ना शुरू हो जाती है। 99 आ जाता है, इंडिया एंड पाकिस्तान गो टू वार अगेन आफ्टर मिलिटेंट्स क्रॉस फ्रॉम पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर इनटू द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कारगिल डिस्ट्रिक्ट। यानी कि कारगिल का जो एरिया है उसमें पाकिस्तान की तरफ से वो तो ब्लेम किया जाता है लेकिन एक्चुअली वही लोग जो कश्मीर के होते हैं वही अपराइज करते हैं और इस तरीके से कारगिल के महाज पर जो है एक वार स्टार्ट हो जाती है। इंडिया रिपल्सेस द अटैक एक्यूजेस पाकिस्तान ऑफ बीइंग बिहाइंड इट एंड ब्रेक्स ऑफ द रिलेशंस। और ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है वो पाकिस्तान पर थोप दिया जाता है कि पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के जो बैक्ड ये मुजाहिदीन थे इन्होंने ये सारा किया लेकिन एक्चुअली ऐसे होता नहीं है और बजाय इसके कि वो अपने हाउस इन ऑर्डर करते उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी को ही हमेशा बेहतर जाना है। इसके बाद आ जाता है 2001 से 2004 तक 2001-2004 मूव्स टू बूस्ट रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ आर पंक्चुएटेड बाय कंटिन्यूइंग वायलेंस नोटेबली एन अटैक ऑन द पार्लियामेंट ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर इन श्रीनगर इन 2001 में श्रीनगर में जो कश्मीरियन पार्लियामेंट है उस पर भी अटैक होता है। इसके बाद 2010 आता है, मेजर प्रोटेस्ट इरप्ट इन द कश्मीर वैली ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड जम्मू एंड कश्मीर ओवर द समर एंड आफ्टर ए डेमोंस्ट्रेटर इज किल्ड बाई द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी एक मुजाहरे करने वालों में से एक को शहीद करती है जैसे ये मुजाहरा मजीद शिद्दत पकड़ जाता है। द प्रोटेस्ट अबेट
in September after the government announced measures to cease tension, to ease tensions. तो ये जो है ये प्रोटेस्ट जो होते हैं ये मुजाहरे जो होते हैं इनमें नरमी आती है सितंबर में जाके 2010 में जब जो गवर्नमेंट है वो ऐलान करती है कि वो हालात को नॉर्मल करना चाहती है और उसके लिए स्टेप्स लेती है. इसके बाद 2011 अगस्त की बात आती है, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला अनाउंसेस एन एमनेस्टी फॉर द 1200 यंग मैन हु थ्रू स्टोन्स एट द सिक्योरिटी फोर्सेज ड्यूरिंग द एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट इन द कश्मीर वैली द प्रीवियस ईयर. तो पिछले साल जो यानी कि 2010 में जितने डिमॉन्स्ट्रेटर थे उन पर कई सारे चार्जेस थे, उनको अरेस्ट किया गया था. तकरीबन 1200 यंग जो लोग हैं उनको आज़ाद कर दिया जाता है, उन पर केस ख़त्म कर दिए जाते हैं जो चीफ मिनिस्टर वहाँ का उमर अब्दुल्ला होता है. और इस तरीके से ये बात थोड़ी सी नॉर्मल रूटीन पर आ जाती है. इसके बाद इंडियन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन confirms presence of more than 2000 unidentified bodies in unmarked graves near the line of control. Activists say many may be people who disappeared after being arrested by the security forces. जब ये security forces और इनके मुजाहिरीन के दरमियान में हुई थी जो insurgency या एक demonstration हुए थे, तो stone planking जब हुई थी उसके बाद तकरीबन 2000 कब्रें ऐसी इकट्ठी कब्रें मिलेंगी, मतलब ये एक एक कब्र में पाँच पाँच दस दस लाशें थी. और ह्यूमन राइट्स कमीशन ने ये कंफर्म किया था कि ये इस तरीके से, और इसका मतलब है कि ग्रेव लेवल पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई थी सीज़ फायर एलओसी के साथ साथ में, जहाँ पे सीज़ फायर की लाइन है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहते हैं. इसके बाद 2011 सितंबर की जब बात की जाए, इंडियन forces kill 3 Pakistani soldiers in firing across the line of control. India accuses Pakistan of opening fire first. तो ये इल्ज़ाम फिर पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है और पाकिस्तान के 3 जो फौजी हैं उनको शहीद किया जाता है इंडिया की तरफ से. 2013 में फरवरी में कश्मीरी जैश मोहम्मद मेंबर मोहम्मद अफजल गुरु हैंग्ड ओवर रोल इन 2001 इंडियन पार्लियामेंट टेरर अटैक प्रमोटिंग प्रोटेस्ट इन विच 2 यंग मैन वर्क आर किल्ड. तो इसमें जो अफजल गुरु है ये जैश मोहम्मद का एक मेंबर था, जो इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक 2001 में हुआ था उस पे इल्ज़ाम लगाया गया था कि ये उसमें रोल अदा कर रहा था. और इसकी हैंग करने के बाद प्रोटेस्ट होते हैं और उस प्रोटेस्ट में 2 मजीद जो है लोग शहीद किए जाते हैं 2013 में. इसके बाद 2013 का सितंबर आता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान मीट एंड एग्री टू ट्राई रिड्यूस द नंबर ऑफ वायलेंट इंसिडेंट एट देयर डिस्प्यूटेड बॉर्डर इन कश्मीर. और ये दोनों प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो एग्रीमेंट करते हैं कि जो बॉर्डर पे लाइन ऑफ कंट्रोल पे जो सीज़ फायर बार बार हो रहा है उसमें कमी की जाए. तो ये एक एग्रीमेंट होता है, उसके बाद जो है आगे हालात चलते रहते हैं. तो आज का सेशन यहाँ पर ख़त्म करते हैं, कहीं ओवर ना हो जाए. और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़.